शीतल करो आप, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, हाँ ऐसे आ जाओ। चमक रही है कीर्त तुम्हारी, चमक रही है कीर्त तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे जग के प्रकाश के स्वामी, सब जब सब सब जब जग दम का देना, सब जग दम का देना। मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरण, जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, कुछ किरणें चमका देना। और ये तालियां बजाइए इनके लिए, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ा चलिए। ऐसे हमारे देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है या अंधकार में, अगर हमें ये जानना है तो हमें रुख करना पड़ेगा विद्यालयों की तरफ। और हम अक्सर विद्यालयों में जाते रहते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे देश का भविष्य कैसा है। और अगर हम अपने देश के भविष्य को थोड़ा बहुत संवार सकते हैं, और जो इन बच्चों के भविष्य को अध्यापक संवार रहे हैं उनसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं, उनका जो बेहतर काम है उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो हम ऐसा करते रहते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के कछुआ के प्राथमिक विद्यालय में आ चुके हैं, और यहाँ पर ये अध्यापक है जो इन बच्चों को और इन बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। तो हम इन अध्यापकों के पास भी आएंगे, उससे पहले इन बच्चों से वार्ता करते हैं। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट से पढ़ाई करवाते रहते हैं, बच्चों को संवारते रहते हैं। और हाँ, आज से हम ये प्रयोग करने वाले हैं, इस विद्यालय को आप कितने 10 में से कितने नंबर देंगे आप दीजिएगा। हम इन बच्चों से, यहाँ पर 5th क्लास के, 4th क्लास के और 3rd क्लास के बच्चे हैं, जिनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर इनके जो अध्यापक हैं किस तरीके से पढ़ाते हैं। और फिर आप नंबर दीजिएगा कि आखिर ये विद्यालय आपकी नज़रों में पास है या फेल है। तो कैसे हैं सब लोग, अच्छे हैं? हाँ। बहुत अच्छे हैं? हाँ। चलिए, तो ये सवाल 5th क्लास वाले बच्चों से है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बढ़िया। तो यहाँ तो 4th वालों को भी आता है ये? हाँ। 3rd क्लास वालों को भी आता है? हाँ। अब ये बताइए, हमारे देश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? श्री योगी आदित्यनाथ। बढ़िया। ये बताइए, हमारे प्रदेश का नाम अब जिसको हम खड़ा करेंगे वो उसे बताना है, ठीक है? आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण कौन सी कक्षा है? चार में पढ़ते हो। क्या नाम है हमारे जो प्रदेश का, क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। तालियां बजाइए इनके लिए। आप खड़ी हो जाइए। आपकी कौन सी कक्षा है? फोर्थ में पढ़ते हैं आप। अब उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश। हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्या है? क्या है हमारे प्रदेश की राजधानी? क्या है राजधानी? अब आप ये बताइएगा, नई दिल्ली कहाँ की राजधानी? क्यों, हमें ऐसा लगता है आपको आता था, लेकिन आप नर्वस होके ऐसा बोली है। नई दिल्ली कहाँ की राजधानी? कोई नहीं बोलेगा और? नई दिल्ली। हाँ, लखनऊ। नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है? लखनऊ कहाँ की राजधानी है? लखनऊ कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश। क्या है हमारा? क्या है? क्या है? क्या है? खड़े हो जाइए। क्या है? तालियां बजाइए इनके लिए। हाँ, आप भी खड़ी हो जाइए। इन्हें बताइए आप, नई दिल्ली क्या है हमारी? नई दिल्ली क्या है? देश कौन सा है हमारा, ये बताइए। कौन सा देश है? कौन सा देश है? भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, अब बैठ जाइए, ताली बजा दीजिए इनके लिए एक बार। और अब हम जिसको बुलाएंगे उसको आना है, और बोर्ड पर कुछ पूछेंगे आपसे लिखित में, ठीक है? 3rd क्लास वाला कोई एक बच्चा आ जाए। 3rd क्लास में है आप, खड़ी हो जाइए। मार्कर ये। क्या नाम है आपका? नाम लिखिए अपना। सुरक्षा लिखिए। सुरक्षा, क्या सही लिखा है? सुरक्षा। हाँ।
तो तालियां बजा दीजिए इनके लिए एक बार। बहुत अच्छे। अब आपकी माता जी का क्या नाम है सुरक्षा? रामफली। क्या नाम है? रामफली। पिताजी का नाम? श्री ज्ञाप्रसाद। ज्ञाप्रसाद जी। तो अपने माँ जी का नाम भी लिखिए, पिताजी का नाम भी लिखिए। तो ये देखिए, ये बच्चे हैं कछुआ गांव के, कछुआ के प्राथमिक विद्यालय के, जो लगातार अच्छे से पढ़ रहे हैं। और किसका नाम लिख रही है पहले आप? हाँ, तो माँ का नाम लिखिए सीधे। क्या नाम है? माँ नहीं लिखना, नाम लिख दीजिए। बहुत अच्छे। अब कैमरा भी जूम कर दीजिएगा, तालियां बजा दीजिए। ठीक है, बैठ जाइए आप जाके। तो ये देखिए, बच्चे हैं जो यहाँ पर कछुआ गांव में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप आ जाइए, आपको बुला रहे हैं, आ जाइए। हाँ, आ जाओ शिक्षा, आप भी अपना नाम लिखिए, ऊपर लिखिए ताकि कैमरे में अच्छे से नजर आ सके। सही है नाम? हाँ। शिक्षक, क्लास कौन सी है? फाइव। फिफ्थ क्लास में हो। अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। आप फिफ्थ क्लास में हैं, आपसे कुछ और भी पूछेंगे। आप मल्टीप्लाई करके दिखाइएगा हमें, ठीक है? 585 × 50। मल्टीप्लाई जानते क्या होता है? हाँ। गुणा होता है, होता है? गुणा करके दिखाइए। तब तक कोई बच्चा थर्ड क्लास का, आप खड़ी हो जाइए। आप कौन सी क्लास में है? फोर्थ में। आप सब थर्ड में हैं, खड़े हो जाइए। आप खड़ी हो जाइए सबको। आप पहाड़ा सुने, पहाड़े कहाँ तक आते हैं? खड़े हो जाइए, कहाँ तक आते हैं पहाड़े? 15 तक आते हैं। 14 का सुनाइए सबको। हाँ, सब लोग पढ़ेंगे साथ में। 14 के 14। आप खड़े हो जाइए, आप पढ़ाइए। कहाँ तक आते हैं आपको पहाड़े? 16 तक आते हैं। अच्छे, जोर से बोलो। 14 का पढ़ाओ सबको फिर, ठीक है? 14 सत्ते 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 14 सत्ते
कुछ बनना है। ये बताओ नौकरियां कितने प्रकार की होती है पता है तुम्हें? फिल्में देखते हो नहीं देखते हो? कुछ नौकरी करनी है कोई? देखते हो फिल्में? कौन सी देखी अभी बताओ हमें? आंखें। आंखें देख। हीरो कौन था उसमें? हाँ चलिए कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो थोड़ा नर्वस भी हो जाते हैं, पढ़ा करो अच्छे से ठीक है। ये बताओ पानी हम लोग पीते हैं, पानी का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? कैसा होता है? ये बताओ धरती को जब हम ऊपर से देखते हैं, आपके सर लोग जो है स्मार्ट टीवी में दिखाया होगा, तो क्या ज्यादा दिखता है, कैसा दिखता है नीचे धरती, कैसी नजर आती है? हरी भरी। और हरे रंग के साथ और कौन सा रंग दिखता है? कौन सा दिखता है? मिट्टी। नहीं नीला नजर नहीं आता है ऊपर से? हाँ। लेकिन पानी का रंग कैसा होता है? नीला। पानी का रंग कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है, नहीं होता है, रंगहीन होता है। जिसमें मिलाएंगे वैसा हो, वैसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ। बढ़िया। शिक्षा रेडी हो गया अच्छे से? अब फिफ्थ क्लास से आप आ जाइएगा, आप चेक करके बताइए सही लगाया इन्होंने नहीं लगाया है। आइए जल्दी, एक तक पहुंचो, बताइए नाम बता दो पहले। क्या नाम है? एकता। एकता नाम, हाँ एकता, बोल बोल के बताते जाइए इन्होंने क्या किया है। हाँ इन्हें जोड़ किया है, वो घटा किया है। नहीं नहीं अच्छे से अगबगाओ नहीं, अगबगाओ नहीं, देखो आपके साथी बुला रहे हैं पीछे से, कह रहे घोड़ा किया है। क्या किया है? घोड़ा। घोड़ा किसका, किसका घोड़ा किसमें किया है पहले? आठ का घोड़ा पांच में किया। हाँ बहुत अच्छे। चालीस। हाँ चालीस के
हाँ नहीं नहीं देखो हाँ सही हो अब बकाओ नहीं बस अच्छे से ठीक है हाँ आठ का बाड़ा आठ बाड़ा में आठ के आठ आठ चले आठ पीछे बैठ चले आठ आठ पंचाले चले चले ठीक आठ पंचाले हाँ हाँ आठ के आठ आठ में चले आठ पीछे बैठ चले आठ आठ पंचाले आठ अंगर चले छप्पन आठ चौंसठ 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 के हाथ हाथ से लाइन छः चार हाँ सलाई चार चलिए जोड़ के बता दीजिए हमें जोड़ सही किया उन्होंने नहीं किया है पक्का जोड़ के बताओ ऐसे नहीं हाँ जीरो की जीरो हाँ आठ पाँच तेरह आप नहीं बोलिएगा हाँ तीन हाँ आठ छः चलिए बच्चे थोड़ा नर्वस हो जाते आप और आ जाइए इनके साथ देने के लिए आ जाओ बताओ यार मोहित समझाओ अच्छे से एक ताक पकाना नहीं है आगे ठीक है अच्छे से पढ़ना है हाँ ठीक है एक लोग घोड़ा बता दीजिए एक लोग जोड़ बता दीजिए उसका जोड़ बताओ आप आओ मोहित पहले हाँ कैमरा वहाँ पे हाँ बताते जाओ अब हाँ पहले घोड़ा बताओ घोड़ा कैसे किया हमने हाँ आठ का पाड़ा पाँच दिन पड़ा पंचालीस चालीस ऐसे ऐसे हो जाओ हाँ चालीस की जीरो सिलाई चार हाँ अति अति चौंसठ हाँ चौंसठ में चार जोड़ी हाँ अड़सठ के छ आठ हाँ सिलाई छ आठ पंचालीस चालीस में छह जोड़ी छियालीस छियालीस की छियालीस बहुत अच्छे गुणा गुणा लगाया वो पाँच का पाँच लिख दिया ठीक है आठ का गुणा एक में किया सो आठ पाँच का गुणा एक में किया सो पाँच अब आप आ जाओ आपकी बारी है इनके लिए तालियां बजा दो एक बार हाँ अब आप जोड़ के बताओ क्या नाम है आपका कृष्णा कृष्णा हाँ कृष्णा जोड़ के बताओ जीरो की जीरो आठ पाँच तेरह तेरह की तीन एक हासिल पचपन पचपन की पचपन पंद्रह हाँ आठ छः आठ छः पंद्रह हाँ आठ छः चौदह हाँ आठ छः चौदह रुक जाइए बताएंगे फिर से देखो अच्छे से एक हासिल पंद्रह एक हाँ सर हाँ नौ दस पक्का नौ कहाँ से आया है? रुक जाओ नौ कहाँ से आया हासिल कहाँ से इधर से अच्छे से जोड़ो हासिल तो एक है हाँ तो पांच एक तो छह होता है हाँ फिर दस कहाँ से आ गया जल्दी से हाँ हाँ पहले ये दिख रहा है मार्कर कहाँ है मार्कर कहाँ है मार्कर दो हमें देखो शिक्षा ने तुम्हें फंसाने के लिए ऐसा लिख दिया है ये यहाँ आ जाएगा नहीं जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा नौ एक दस हो गया चलिए इन सब के लिए तालियां बजा दीजिए और फिर से इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं कौन कह रहा था कि सर जी मार दो कौन था वो नर्वस हो रहे हो नर्वस नहीं होना ये आप लोगों के आगे की तैयारी है ठीक है सब लोग अच्छे हैं पक्का चलिए बढ़िया अब और अच्छे होंगे धीरे धीरे ठीक है चलिए हम कुछ लिखेंगे यहाँ पर और तीन अक्षर जो है या तीन शब्द हम लिखेंगे आप लोगों को बताना इन तीन में से सही कौन है ठीक है क्लास जानते हैं आप सब लोग आप खड़े हो जाइए आप हाँ खड़ी हो जाइए ये बताइए इनमें से सही कौन है टिक लगा दो जो सही हो कक्षा लिखा है तीन बार कौन सही है ठीक है आप यहाँ खड़ी हो जाइए आप आ जाइए तो चलिए ठीक है
अब लेकिन गुरुजी तालियां नहीं बजवाएंगे अब, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हम कुछ और लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर से आपको देखना है कि इसमें से सही क्या है, गलत क्या है। सबको बताए, आप खड़े हो जाए नीली शर्ट वाले। हाँ ठीक है, आप बता दीजिए कौन सही है। हाँ यही पे आ जाइए, ये लीजिए मार्कर आपका है। गोला मारो उसमें, मार दो गोला जो सही हो। सही है, बजा दीजिए फिर तालियां। चलिए अब यहाँ पर एक और मार्कर वो डस्टर आप उठा दीजिएगा। कुछ और सवाल आप लोगों से होने वाले हैं। कोई नहीं, होता है ऐसा। ये बताइए कोई ऐसा है जिसके सपने अभी से बड़े हो, जिसको ना डॉक्टर, कोई हो जो हटके हो। जरूरी नहीं है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, हम एक्टर भी बन सकते हैं, हम गायक भी बन सकते हैं। कोई है जो गाता अच्छा हो, जो देखो जो इनमें से गाता अच्छा होगा उससे हम सवाल नहीं करेंगे, इतनी छूट दे देंगे उसे। सर जैसा पत्रकार बनना है तो बिल्कुल, अगर किसी को जर्नलिस्ट बनना हो, जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं हमारे पैसे को, क्या कहते हैं, रुक जाइए आप खड़े हो जाइए, क्या कहते हैं, किसने बोला था, हाँ खड़े हो जाइए, क्या कहते हैं, रुक जाइए दोबारा बोलिए, क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट। हाँ जर्नलिस्ट, क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट। हिंदी में पत्रकार, पत्रकार हिंदी में पत्रकार, क्या कहते हैं, पत्रकार। पत्रकार का काम क्या होता है, सवाल पूछना, क्या होता है, क्या होता है, सवाल पूछना, और जानकारियों को यहाँ से वहाँ शेयर करना, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपके जो अध्यापक हैं, ठीक है, आपको बहुत कुछ पढ़ाते होंगे, तो पानी के बारे में सर लोगों ने बताया आपको, पानी का सूत्र कोई बता सकता है, किस सिंबल से लिखते हैं हम, ये बताइए। हम लोग लेते क्या है, पता है कौन सी गैस लेते हैं हम लोग, ये जानकारी है, जब इनहेल करते हैं क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, बहुत अच्छे। देखिए थर्ड की बिटिया है जो सबसे आगे बैठी है, उसने सबसे पहले बताया है क्या लेते हैं, छोड़ते क्या है, तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्या छोड़ते हैं। चलिए एक और सवाल आप सबसे है, देखते हैं कौन बता पाता है। हमारे पास रंगों की एक डिबिया है, क्या है, हमने काला रंग लिया या काले को छोड़ दिया, काले को छोड़ दिया, क्या किया हमने, गुलाबी रंग लिया, लाल रंग लिया, सफेद रंग लिया, जितने रंग सब मिला दिए, कौन सा रंग बन जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सोचिए थर्ड क्लास में बच्ची बैठी है और कॉन्फिडेंस है, जो आगे आगे बैठी हैं, अपने मन से आगे बैठी, हमने आगे बोला के बैठाया है, हाँ तो तालियां फिर से बजा दीजिए इनके लिए। बड़ी प्यारी बिटिया है जिसके हाथ में एक किताब है, किताब को खोल लीजिएगा थोड़ा, क्लास टॉप है, बहुत अच्छे, खोलिएगा कुछ पढ़ के सुना दीजिए पंक्ति हमें, खड़े हो जाइए, आ जाइए, जोर से सुनाना है, ठीक है। चमक रहा है तेज तुम्हारा बन कर, सब पढ़ेंगे ठीक है, हाँ, बन कर के लाल सूर मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी दवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है कीर्ति तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी, सब सब सब
सब जब जगदम्बिका देना, सब जग जगदम्बिका देना। मेरे भी जीवन के पट पर कुछ किरण, जीवन के पट पर कुछ किरणें चमका देना, कुछ किरणें चमका देना। और ये तालियां बजाइए इनके लिए, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ा करिए ऐसे, ठीक है। अब चलिए एक और सवाल आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। चलिए आप थर्ड क्लास वाला कोई आ जाइएगा, तीसरी आप आ जाइए, तीसरी में है आप आ जाइए, इस गुणा को करके बताइए आप, ठीक है, करो अच्छे से, पहुंच पाओ यहां कर लो, ऐसे आ जाओ, यहां यहां आ जाओ, कर दो, ठीक है, जीरो है, गुणा करना है, ठीक है, करो अच्छे से, जल्दी से, तीसरी क्लास में और कौन कर पाएगा, हाथ खड़ा करें जल्दी, अनुज आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाओ दोनों लोग, अनुज आ जाएं और आप आ जाओ, करो जल्दी, शीतल करो आप, ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ऐसे आ जाओ, हाँ अनुज आप जाइए, अनुज आप करिए, मिटा के करो दोबारा, मिटा दो उसे, कोई नहीं, करो अच्छे से, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हाँ क्या ये सही है, हाँ। पक्का, हाँ। तालियां बजा दीजिए इनके लिए, आप लोगों को समझ आ गया और अब गलती तो नहीं होगी, ठीक है चले जाइए। अब ये पांच वालों के लिए सवाल है, जितने पांच वाले हैं और जो पीछे छुप रहे हैं आप खड़े हो जाइए, बीच में है जो, हाँ खड़े हो जाइए, बबलू बबलू ये बताइए, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, कोई नहीं बताएगा, आ जाओ यहाँ पे, जिसको आता हो बोलना नहीं है, हाथ खड़े करना जिसको आता हो, ताकि आपके टीचर क्योंकि पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं है सबको आता हो, तो जिनको आता हो वो हाथ खड़े कर ले अपने, हाँ कैमरे में शक्ल दिखा दो, जीभ नहीं दिखाना है लेकिन, ठीक है बताओ जल्दी, कैमरा वहाँ है, ऐसे खड़े हो जाओ, बबलू है, बबलू का डब्लू देखते हो नहीं देखते हो, बबलू जल्दी रुक जाओ, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जल्दी बबलू कौन सी कक्षा में हो, फाइव, फाइव में हो, फाइव की स्पेलिंग बता दो, अच्छा ये एब्सेंट रहने वाले हैं, क्या है फाइव की स्पेलिंग, क्या है, एफ आई जी, एफ आई जी नहीं, एफ आई बी, एफ आई बी, देखो रोज आना है स्कूल, ठीक है, आया करोगे पक्का, यहाँ से जल्दी जाना है, जाना है नहीं जाना है, खड़ा रहे फिर हम खड़ा रखे तुम्हें, ठीक है चले जाओ, रोज आए अगर ताली बजा दो इसके लिए भी, बबलू विद्यालय रोज आ रहा है, ठीक है चलो, हाँ दस वाले, पांच वाले, क्या था आंसर आप लोगों का, क्या था, और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, बढ़िया, हमें लगा आप लोग फंसोगे लेकिन फंसे नहीं, ये बताइए तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बहुत अच्छे, अब पांच वाले, आप मोहित नाम है आपका, खड़े हो जाए मोहित, कहाँ तक पारे आते हैं मोहित को, बीस तक आते हैं, उन्हीं से सुना दीजिए सबको, ठीक है माइक लगा लीजिए पहले, हाथ में ऐसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है अब सुनाओ सबको, उन्नीस की उन्नीस, उन्नीस दुनिया अड़तीस, उन्नीस तीस सत्तावन, उन्नीस छुक छिहत्तर, उन्नीस पंच पंचानवे, उन्नीस छक्का एक सौ चौदह, उन्नीस सत्तर एक सौ तैतीस, उन्नीस सत्तर एक सौ बावन, उन्नीस नब्बे एक सौ इकहत्तर,
उन्हें दाम 190। आगे बताइए दीदी। तो ये थे कछुआ गांव के प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, इनके अध्यापकों से भी बात करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट टीवी भी है, क्लासें बिल्कुल फर्निश्ड हैं और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पर रखे हैं जिनके बारे में बहुत कायदे से हम आपको बताने वाले हैं और उन प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। तो आप सब जनता के राज दिख रहे थे और हम जो यहाँ के अध्यापक हैं उनसे भी तसल्ली से बैठकर बताते हैं।